आगे। अभी हाल फिलहाल में आप मेरे को आशिकाना में देख रहे होंगे, आशिकाना स्ट्रीम हो रहा है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे, अभी तो फिलहाल उसी में देखेंगे। पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत ही कमाल का आने वाला है, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि प्रोजेक्ट लाइन अप है। और हाँ, मैं गोल्डन सन प्रोडक्शन के साथ में अभी एक म्यूजिक वीडियो जरूर कर रहा हूँ जो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे टॉप रोल आपका कौन सा है आपके हिसाब से, ये टॉप रोल रहा इसमें मेरे को संघर्ष करना पड़ा? ऐसे तो हर रोल चैलेंजिंग होता है, पर मैं दो रोल बताऊंगा अगर तो। जैसे मैं अभी आशिकाना कर रहा था, उसके अंदर सबसे पहले तो मैं मास्क के पीछे था, और जब आपका चेहरा ना दिख रहा हो तब आपको एक्टिंग करनी है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़, उसके अंदर मेरे को पोलियो हो रखा था, तो मुझे नकली पैर ब्रेसेस जिसको कहते हैं वो लगा के चलना पड़ रहा था, तो वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि उसका खुद का भार कम से कम 15-20 किलो का था। तो उसके साथ एक्टिंग करना और उसको मेंटेन करना कि आपको लोगों को लगना चाहिए कि इसको पोलियो है, उसको सिंपति होनी चाहिए लोगों को, तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था। पर हाँ, मज़ेदार भी था ही ऑब्वियसली। विघ्नहर्ता गणेश में भी ऐसा कुछ हुआ था, उसके लिए होता है? हाँ, विघ्नहर्ता गणेश में एक्चुअली ऐसा कुछ होता है क्योंकि वो बहुत पौराणिक शो है, तो पुंडलिक की स्टोरी थी। तो श्री कृष्ण उनको श्राप दे देते हैं कि उनके पैर चले जाते हैं, और मैं कम से कम कीचड़ से पूरा भरा हुआ 15 दिन तक सिर्फ रेंगते हुए शूट कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैरों से कुछ मेरा अलग ही नाता है कि मैं उसमें भी रेंगते हुए शूट कर रहा था, इसमें भी मेरे पैर चले गए, तो मतलब शायद ऐसा कुछ रिश्ता सा ही है। अभी क्या लगता है कि आने वाले टाइम में किस तरह के रोल आप करना चाहते हैं? ऑब्वियसली एज एन एक्टर मैं चाहूँगा कि कुछ नया करने को मिले। जैसे मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर बार कुछ नया करूँ। जैसे मैंने अभी कुछ थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर किया है, तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा कुछ और, कुछ अलग दिखा पाऊँ ऑडियंस को, क्योंकि हमारा काम है एज एन एक्टर के लोगों का मनोरंजन हो पाए। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं कुछ और नया कर पाऊँ। सोया एकता कपूर।